ब्लैक बैक डियर को मारने वाले लोगों के खिलाफ जो प्रोटेस्ट करती हैं, वो ये वाला कपड़ा पहनती हैं। ये ओवन है, इसके अंदर मिट्टी के बर्तन पका था। काफी अच्छा लग रहा है यार ये तो बनाने में। ये मेरे हाथों से बना हुआ है मिट्टी का बर्तन। यहाँ हाईवे से फिर से हम अंदर जा रहे हैं। किस गांव में हम जाएंगे? ये काकानी ही गांव है। ये फिर से हम कच्चे रास्तों में आ गए गांव के। इनका पुस्तानी काम है जो मिट्टी के बर्तन 100 किलो की व्हील के ऊपर कैसे बनाते हैं। हाउ टू मेक पॉट्स बाय हैंड एंड दिस इज वन ऑफ द हार्ड वर्क बट पीपल इजीली टू मेक ओनली फॉर दिस कम्युनिटी बिकॉज दे आर जनरेशन टू जनरेशन डूइंग दिस वर्क। ये ओवन है, इसके अंदर लोग क्या करते हैं कि पहले मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। अच्छा। और ये कास्ट, यहाँ पे राजस्थान में कास्टीज में वर्क बहुत ज्यादा होता है, तो लोग आज भी उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं जो पुस्तानी काम है। बट आज अगर एक कास्ट के अंदर एग्जाम्पल 100 हाउसेज हैं, उसमें से ओनली फॉर 4 to 5 हाउस के लोग ही काम करते हैं क्योंकि लोगों को इतना मिलता नहीं और लोग गांव में काम करते हैं। बाकी लोग पैसों के लिए शहर में जाने लगे। लोग पैसों के लिए शहर में जाते हैं, किसी का अदर बिजनेस है। ये ओवन है, इसके अंदर मिट्टी के बर्तन पका था। फिर 2 से 3 आज तक इसके अंदर जब हम फायर करते हैं उससे क्या है, मिट्टी के बर्तन पकते हैं। जैसे अभी बारिश का मौसम है, रेनी सीजन है, तो ये लोग इतना मिट्टी के बर्तन नहीं बनाते, बट यहाँ से मोस्टली इनका एक्सपोर्ट होता है वो गुजरात साइड में, क्योंकि इसका जो मिट्टी के बर्तन का पानी इतना ठंडा रहता है कि रेफ्रिजरेटर को भी बैक करता है। वो बताएंगे आपको कि कैसे बनाते हैं मिट्टी के बर्तन जी, उसके बाद में आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। और ये जो लोग यूज लेते हैं, ये लेते हैं क्ले। अच्छा अच्छा। चिकनी मिट्टी जी जी। और ये 100 किलो की व्हील है, एक्चुअली ये व्हील उनके खुद के द्वारा बनाई हुई है। ये एक पॉइंट पे घूमती है, जैसे कैसे रन करता है, स्टीयरिंग कैसे चलती है, वैसे ये यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है और इसके नीचे ये लकड़ी है। लकड़ी है, एक पेड़ का नाम है, पूरा उसका नाम है थॉर्न्स वाला पेड़, इकेरी बोल सकते हैं। और ये लकड़ी पहले ये खुद निकले यहाँ से बनाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से ये लकड़ी क्रैक है, तो भी इस लकड़ी के ऊपर अगर 100 किलो आएगा वेट तो भी ये क्रैक नहीं होगी इजीली। कीकर की लकड़ी होती है, कीकर की तरह ही है, इसे बोलते हैं कैर की लकड़ी। कैर की लकड़ी, कैर देख सकता हूँ। हाँ, ये तो काफी मजबूत है, ये काफी मजबूत लकड़ी होती है। ये स्टोन है छोटा सा, ये जमीन के अंदर तैरने रहता है, इसके बीच में पॉइंट है। हाँ। ये लकड़ी इसके अंदर डालते हैं, फिर ये देखिए छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे पहले ये कुकिंग ऑयल लगाते हैं, फिर इसके बाद में इसके ऊपर रख देते हैं जैसे ये पड़ा जी। फिर ये स्टार्टिंग क्या करते हैं कि सबसे पहले ये हाथ से घुमाते हैं बैलेंस बिठाने के लिए, फिर उसके बाद में इसके ऊपर काम करते हैं। अगर इसके ऊपर काम नहीं करते 20 to 25 मिनट तक ये घूमता रहता है, और काम करते हैं तो 15 to 20 मिनट। अभी आप देखिए और ये आपको थोड़ा बताएंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रजाक है। ये अपने चिकनी मिट्टी है, ये मिट्टी यहाँ से हम 100 किलोमीटर दूर गांव है मोकलसर, वहाँ से लेके आते हैं और हम इसके अंदर मिक्स करते हैं चूल्हे की राख, लकड़ी का बुरादा, दो चीज मिक्स करते हैं मजबूती के लिए। और जो ये मेरी फैमिली है 400 साल से कर रही है, और जो मैं कर रहा हूँ ये 15 साल से कर रहा हूँ, तो पीढ़ी टू पीढ़ी चलता है। 400 साल तो बहुत ज्यादा हो गए। तो सर हमारी फैमिली करीबन 7-8 जनरेशन करती आ रही है। अच्छा। और मैं कर रहा हूँ 15 साल से। अच्छा अच्छा। तो हमारा पीढ़ी टू पीढ़ी है, पुस्तानी काम है। इसमें पूरा मतलब आपका मार्जिन हो जाता है या नहीं होता? अभी चल रहा है, गुजारा हो रहा है। अच्छा, इसके नीचे भी कुछ लगा रखा है क्या आपने? ये कारपेट है। अच्छा, अभी ये यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे हम आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए ना, मिट्टी को भी गूंथ लिया गया है। इस चाक पे हम अभी मिट्टी के बर्तन बनाएंगे और ये भाई हमें घुमा के दिखाएंगे। अभी देखते हैं ये कैसे कैसे बनता है। इसके अंदर आप लकड़ी लगाते होंगे? मतलब आप कुछ भी बना देते हो या फिर जो बन जाता है फिर वो? तो जो उतारना आइटम होगा ना वो बन जाएगा सर। जैसे कोई आइटम हाथ से बनता है। हाँ। कोई मोल्ड से बनता है। हाँ। अलग अलग प्रोसीजर अलग अलग हिसाब से बनता है। अब इस पे ये डिजाइन दे रहे हैं नाखून से जी। और इसको काट के निकाल देंगे, ये बन गया अपने स्पाइसी स्पॉट। ये इसका लेड बन गया सेम साइज, कोई आइडिया नहीं, मेजरमेंट नहीं, परफेक्ट साइज है ये। ये परफेक्ट साइज मतलब आपने कैसे अंदाजा लगाया कि इतना ही होगा? दिमाग। अच्छा, ये दिमाग का खेल है बस। आपको ट्राई करने का? हाँ, मैं ट्राई करना चाहूंगा। दोस्तों अब मैं ये ट्राई करने वाला हूँ कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनाते हैं, और ये अपनी लाइफ में मैं पहली बार ट्राई करने जा रहा हूँ।
पानी दीजिए, अभी आप दोनों हाथ पानी में कीजिए। अब दोनों गोटे इसके अंदर पुश कीजिए धीरे धीरे, हल्के हाथ से, हल्के हाथ से धीरे धीरे, हल्के हाथ से खाली सब दोनों अंदर पुश करो, धीरे धीरे ऐसे अंगूठे अंगूठे पुश करो। काफ़ी अच्छा लग रहा है यार ये तो बनाने में, इसमें थोड़ा दिमाग का काम है, बनाते बनाते सीख जाते होंगे लोग। टाइम लगता है, एक हाथ में डालो एक हाथ बाहर डालो ऐसे धीरे धीरे दिखिए। आप अच्छा काम कर रहे हो। तब बनाया मैंने। बस अभी ये काट लीजिए, इसको बॉटम कीजिए, नीचे भी काट लीजिए। अच्छा अभी गैस कीजिए, क्या बन रहा है? इधर से काटो, इधर से, इधर से ठीक है। अभी धीरे से उसको उठाओ, ऐसे 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 उठाओ एकदम, बस ये बन गया अपने छोटा फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट बन गया मनी प्लांट के लिए। मनी प्लांट के लिए मैं दिखाता हूँ अपने ऑडियंस को। देखो गाइज, ये मेरे हाथों से बना हुआ है मिट्टी का बर्तन, और पहली बार मैंने लाइफ में बनाया और काफी अच्छा फील हो रहा है मेरे को। आप भी यहाँ पे आइए बिश्नोई विलेज में और ये बना के ट्राई करिए एक बार, आपसे बनता है या नहीं बनता, आपसे भी बन जाएगा यार जब मुझसे बन गया। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं। ये कितने दिन में सूख जाता होगा? चार पाँच दिन में ही सूख जाता होगा। अब हाथ धो लेते हैं यार, जरा हाथ में मिट्टी लगी थी। अभी हमने यहाँ पे देखा कि मिट्टी के बर्तन भैया ने कैसे बनाए, और मैंने भी मिट्टी के बर्तन बनाए थे, वो भी आप लोगों ने देख लिया। हाथ धो के आ चुका हूँ मैं, और भैया अभी दिखाने वाले हैं हमें एक मैजिक। ये अपने ऑयल हम दिया है, आप यहाँ से भी ऑयल डाल सकते हो। हाँ? इसके बैक साइड से भी डाल सकते हो। अभी इसके अंदर मैं डालता हूँ पानी, ये देखिए ये इसमें पानी डाल रहे हैं। वापस को उल्टा करेंगे बाहर नहीं आए, ये हो गया मैजिक, ये देखो बाहर नहीं आ रहा। वापस को ऐसे करेंगे, इसमें कुछ कला है, इसको ऐसे करेंगे तब बाहर आए। ये हो गया अपने अलादीन मैजिक लैंप ऑफ इंडिया, अब्राकाडाब्रा गिली गिलीचू। और इसको यूज लेने का तरीका है सर, ये अपने ऑयल लैंप है, लाइटिंग के लिए काम आता है, एमरजेंसी लाइट, टी लाइट, कैंडल लाइट। इसमें आप ऑयल डाल दो 20 ग्राम कुकिंग ऑयल, और यहाँ कॉटन विक डाल के सोहल के अंदर आप जला दीजिए लाइट के लिए। मिनिमम 10-15 घंटे तक चलता रहेगा। 10-15 घंटे तक? हाँ जी, पहले गाँव में पुराने टाइम लाइट नहीं होती ना, तब यूज लेते थे लाइट के लिए। लेकिन इसका ट्रिक क्या है, ये नीचे से बाहर आया क्यों नहीं? ये सोहल एक पाइप है, इसके अंदर बाहर नहीं आता है। अभी बहुत तेज बारिश चालू हो गई है, अभी देखो कितनी देर रुकना पड़ता है या फिर बीच में ही हमें जाना पड़ेगा। बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ तो, अभी बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। और हम एक फैमिली से मिलने आए हैं जो कि क्लॉथ पेंटिंग करते हैं। टर्मरिक हल्दी है जो सबसे पहले हल्दी का प्रिंट हो रहा है। हाँ, इससे क्या होगा कि पता चलेगा तो कौन सा प्रिंट है। ये देखिए, जी जी, फेदर का प्रिंट है। हाँ, फर्स्ट स्टेप हमारा ये है, ये। उसके बाद हम गम और मड लगाएंगे। हाँ, ये ऐसा बन जाएगा फिर, और ये फाइनल हमारा कपड़ा ये हो जाएगा, और ये बिकने के लिए फिर चला जाएगा। फार्मर कम्युनिटी की वुमन होती है, जी जी, ये काम में लेती है पहनने में, जिसे बोलते हैं घाघरा वगैरह बनाते हैं, ये बिश्नोई वुमन पहनती है। अच्छा, जो प्रोटेस्ट करती है ब्लैक बर्ड बिहेवियर को मारने नहीं देते, उनकी जो वुमन होती है। अच्छा, वो ये क्लॉथ यूज़ करती है। अच्छा, ब्लैक बक डियर को मारने वाले लोगों के खिलाफ जो प्रोटेस्ट करती हैं, वो ये वाला कपड़ा पहनती हैं। रबरी हमारा राजस्थानी प्योर राजस्थानी वर्ड है जी, जिसे बोलते हैं सेपर्ड फैमिली। सेपर्ड फैमिली होती है, उनकी वुमन ये पहनती है। अच्छा, यहाँ पे कितनी टाइप की मतलब फैमिलियाँ होती होंगी? राजस्थान कास्ट के ऊपर ही डिपेंडेड है, यहाँ पे काफी सारी कास्ट है, मैं ऐसे तो पूरा नाम नहीं बता सकता। हमारी कास्ट की अगर माने तो हमारे कास्ट के अंदर की जो कास्ट है जी, वो होगी कम से कम 60-70। जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण होते हैं तो कई कई तरह के ब्राह्मण होते हैं, कई तरह के ब्राह्मण होते हैं, वैसे हमारी कास्ट के भी कई तरह के प्रजापत होते हैं। अच्छा, इनकी कास्ट के अंदर भी कई कास्ट के छिपा होते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी कई कास्ट। हाँ, सिया सुन्नी, इसको भी कपड़े पे ही ऐसे प्रिंट करते हैं। अच्छा, ये डिजाइन कहीं से बन के आते हैं, आप लोग खुद ही बनाते हैं? कारपेंटर बनाते हैं, कारपेंटर को दे देते हैं, वो बना देता है, कारपेंटर बना के फिर इनको। तो ये बस कीले ठोकी हुई है जी, ये भी ऐसे ही, ये नट है, है? ये सारा बेसिकली आप मतलब उसके अंदर डुबा के और कपड़े पे प्रिंट कर देते हैं। तो ये सारा कुछ हाथ से बनाते हैं आप लोग? पूरा हाथ से बनाते हैं। अच्छा, काफी अच्छा लग रहा है, मतलब ये तो ऐसा लग ही नहीं रहा हाथ से बना हुआ है। ये क्या आपने बनाया है? अच्छा, ये आपने अपने हाथ से बनाया है, काफी अच्छा लग रहा है। तो मतलब ये जरा भी मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मतलब मशीन से नहीं बना हुआ, इतना अच्छा भी हाथ से बन सकता है। अच्छा, एक बेडशीट आप 4 दिन में बनाते हो? इसी को सारी फैमिली मिल के 4 दिन में बनाती है। वो लगभग कितने लोग लग जाते होंगे एक बेडशीट को बनाने में? एक दो जने बैठते। अच्छा, दो जने मिल के 4 दिन में एक बेडशीट बना देते हैं हाथ से, तो मतलब काफी मेहनत का काम है। ये भी काफी सुंदर लग रहा है एकदम, मेरे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है हाथ से।
मतलब काफी मेहनत का काम है और काफी अच्छा भी लग रहा है। ये भी काफी अच्छा लग रहा है एकदम। ये जो इसमें प्रिंट कर रखा है ये विश्नोई वुमन है और ये ब्लैक बक है। ये यहाँ के समुदाय का मतलब इसको तो बहुत ज्यादा लोग यूज करते होंगे यहाँ पे। ये तो बेडशीट है सब लोग। हाँ। नहीं सही लग रहा है काफी एकदम। और मतलब इनका काम देख के मतलब ना ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये हाथ से बना हुआ है। यकीन ही नहीं हो रहा। चलिए अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।